जिसने तुम्हारे रेडर्स को मारा, कोई हाथ नहीं लगा पाया उसे सिवाय मेरे। ओके, कर्मा भी हार नहीं मानता यार। नो, दिस इज इनसेन। अपग्रेडेड बुजी और मोहब्बत की हुंदी चले आजी नूजी। Hey guys, तो आज हम देखने वाले हैं कालकी का नेक्स्ट सीन और इसमें आएगा मजा, क्योंकि कल अश्वत्थामा और भैरवा का जो फाइट सीन था वो आप लोग मिस बिल्कुल मत करना। इस वीडियो के बाद वो वाली वीडियो जरूर देख लेना, और आज वाली वीडियो यार ये भी मस्त होने वाली है। और हम आगे स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं, जिन्होंने पिछले वाले जो सीन्स नहीं देखे हैं फिल्मों के वो जाके देख लो, सब्सक्राइब कर लो हमारा ये वाला चैनल, क्योंकि यहाँ पे हम करते हैं पाकिस्तानी ड्रामा रिएक्शंस एंड इंडियन मूवी सीन रिएक्शंस। सो हियर वी गो। Welcome to the channel. I am your host Nimi Singh, and you are watching Punjabi Real TV Extra. छे फुट का अश्वधाम। 150 days नामुमकिन होने वाला फॉर्मूला। उस लड़की से एक्सट्रैक्ट किया हुआ सिरम कहाँ है? सिर्फ एक ड्रॉप मिला है बानी, सुप्रीम को बताना मत प्लीज। ऑलमोस्ट पकड़ी ही गई, बताना मत प्लीज। लेकिन एक बुड्ढा आया जो 8 फीट का था, कितनी गोलियां बरसाई, कुछ नहीं हुआ उसे। क्या उसके माथे पर एक मणि थी? हाँ, वो एक लाइट जैसा कुछ था। अश्वत्थामा आए। उसका जन्म इस युग में नहीं हुआ, उसकी मृत्यु नहीं, पुराणों की बात सच हो रही है। अश्वत्थामा, फिर वो प्रेग्नेंट लड़की और ये गांडीव। भगवान जब इस धरती पर रहते थे तब ये अस्त्र बना था, और जब भगवान चले गए तो इसकी शक्ति भी उन्हीं के साथ चली गई। वो शक्ति वापस आ गई है, यानी भगवान आ रहे हैं। वो उस लड़की की कोख में पल रहे हैं। हाँ, ये सिल्ली कहानियां तो कालकी मैंने सुनी है कि कोई भगवान आएगा सफेद घोड़े पर सवार होके। हमारे पूर्वजों के कहने का अनोखा तरीका था, एक सफेद घोड़ा यानी उनके जन्म का नक्षत्र, 6,000 सालों में केवल एक बार आने वाला खड्ग अश्विनी नक्षत्र। कुछ ही दिनों में सारे प्लेनेट अलाइन होंगे और वो एक रेयर एक्लिप्स को फॉर्म करेंगे। द डार्केस्ट डे इन 6,000 ईयर्स। अगर उस बच्चे का जन्म नहीं हुआ तो अगले 6,000 सालों तक ये नक्षत्र फिर नहीं आएगा। हमें इस जन्म को इसी वक्त रोकना होगा, वरना सुप्रीम को खतरा है। अरे भाई साहब, अभी सारा समझ में आ गया ना कि क्या क्या झोल है सभी। शंबाला, मरियम 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 मरियम, एक बहुत बड़ा सा जायंट। अरे आराम से बताओ, माँ आ गई है। They all knew already. क्या हो गया? कायरा कहाँ है? और बाकी सब कहाँ हैं? कल के लिए। Hey, drop him! Drop him! Hey, girls, नीचे करो अपनी, नीचे करो। सर, ये हमारे साथ है सर, सर, सर। Hey! गन्स नीचे करने को बोला ना, नीचे करो सर। आराम से। अबे नाइस यार, अश्वत्थामा का जो किरदार बनाया उन्होंने मजेदार। 8 फुट लंबा, वाह। लेकिन हमारे दुश्मन तो नहीं है? Yeah,
दीपिका, he's like, यार ये मेरी इतनी केयर क्यों कर रहा है? कारण वर्ल्ड में हर जगह बस इसे ही ढूंढ रहे हैं सब। कौन बचाएगा इसको? मैं बचा लूंगा। क्या लगता है तुमको, लंबा होना ही काफी होता है? इसने कभी युद्ध देखा भी है क्या? एक्सक्यूज मी, महाभारत में ये श्री कृष्ण के साथ युद्ध कर चुके हैं। ओके, फर्स्ट लैंड से जाना सही होगा, वहाँ ट्रैक नहीं होगी। नोमैन खा जाएंगे इसको। वीरन, तुम इसे इसी वक्त यहाँ से लेकर चले जाओ। ये कहीं नहीं जाएंगी। मतलब यार इन्होंने एक स्टोरी कैसे क्रिएट की ना महाभारत के, जो जो विलेन है अश्वत्थामा, ठीक है, कई लोगों को नहीं पता शायद, लेकिन कल मैं एक वीडियो बना रहा था तो उसमें मैं एक फिजिक्स वाला जोक लगा रहा था और लोगों को वो समझ नहीं आ रहा था, एक बंदे को एक्चुअली जिसने कमेंट किया था। तो भाई फिल्म देखो, इंजॉय करो। मेरी उम्मीद के डगमगाने से पहले आप आ गए। अबे वो पीछे क्यों हो रही है? भगवान को जन्म देने अपने घर आ गए। शंबाला को बताओ माँ आ गई है। अबे they are waiting from the many years। रुक जाओ, सबके सब पागल हो गए हो? इसके यहाँ आने से हम सब कितने डेंजर में आ गए हैं जानते भी हो क्या? एक तो होता है ना ऐसा बीच में, ये बस लैब से भागी हुई एक मामूली प्रेग्नेंट औरत है, इसमें स्पेशल कुछ नहीं है। और तो और, क्या सबूत है कि ये बच्चा ही अगला भगवान है? अश्वत्थामा पूरी दुनिया का या बारिश के लिए भी तरस गए। मुझे भूख लगी है। यहाँ पे तो पूरी अच्छे सी सेवा पानी होगा, सभी कुछ होगा भाई। पी सकती हो, ये लीजिए। ये सब क्या है? कैसे तुम्हें ढूंढने वाला दिशा सूचक यहीं से है और यही इस पेड़ का जन्म हुआ जिसके साथ ही शंबाला की जीवन की शुरुआत हुई। और जब लगा कि जीवन खत्म होने वाला है तब तुम आ गए। बिल्कुल राइट टाइम। कहाँ है बेटा? यही है हम सबको मारने वाला, इसी की वजह से लड़की भाग गई। भैरवा को पावर कब मिलेगी यार? भैरवा, यू आर ब्लैकलिस्टेड, तुम्हारे यूनिट सीज कर लिए हैं। ओह, यू आर परमानेंटली बैन्ड फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स। ओह शिट, गल दिलते लग गई भाई। क्या हुआ? हार गया मैं। क्या, आप हार गए? इम्पॉसिबल, मैं नहीं मानता। चले जा। क्या मैं जा सकता हूँ? तू इतना अच्छा आखिर कब से बन गया रे? ये बहुत अच्छे आदमी है सर। मुझे वो 500 यूनिट दे दो, इसे कुछ खा लेगा। मेरा किराया भी गरीबों में बांट दिया है। पहले ही बता देना मुझे, शौक नहीं चाहिए। देख कुछ ना कुछ काम करके तेरा किराया दे दूंगा बुढ़े। इतने साल में कॉम्प्लेक्स के अंदर जाने का ट्राई करता रहा, खत्म हो गया सब। अब उसने ब्लॉक कर दिया भाई, ब्लैकलिस्टेड। अब जाकर क्लैरिटी मिली है मुझे, यही है मेरी लाइफ। ना मेरा कोई है, ना किसी को मेरी जरूरत है। मेरे साथ आइए, शंबाला चलते हैं। शंबाला,
तू जा। हाँ ये जाएगा अभी, शंबाला जाएगा सीरियसली। मुझे वहां लेकर कौन जाएगा? अरे मैं ले जाऊंगा ना, मेरे जैसे कितने लोगों के लिए आप तो हीरो हो। हमारे साथ आ जाओ भैरवा, ज्यादा मत सोचो, आ जाओ। Damn those rebels, शंबाला ही लेकर गए होंगे। वो लड़की मुझे चाहिए। हमने हर डायरेक्शन में रेडर्स भेजे हैं कमांडर, पकड़ लेंगे। कुछ नहीं कर पाओगे जब तक वो बुड्ढा है, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। कौन बुड्ढा? जिसने तुम्हारे रेडर्स को मारा, कोई हाथ नहीं लगा पाया उसे सिवाय मेरे। अरे ये कौन है? भैरवा सर, एक बाउंटी हंटर है, इसी ने हमारे रेडर्स को मारा तो मैंने ब्लैकलिस्ट कर दिया। अब ब्लैकलिस्ट तो कर ही दिया ना, तो और मारूंगा। पॉइंट यही है कि एक मैं ही हूं जो उसे लेकर आ सकता हूं, मेरे अलावा कोई नहीं। इतना श्योर है? रिकॉर्ड्स चेक कर रहा हूं, मैं आज तक एक फाइट नहीं हारा हूं, ये भी नहीं हारूंगा। ठीक है, एक चांस देता हूं, अगर लड़की मिल गई तो मैं खुद तेरा हाथ पकड़कर कॉम्प्लेक्स के अंदर ले जाऊंगा। तो इनकी दोबारा फिर से फाइट होगी, लेकिन इसको पावर कैसे मिलेगी यार भैरवा को? ये बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि ये उनसे जुड़ा हुआ था, वो नहीं रहे तो ये अस्त्र नहीं रहा, अब तो ये बस एक बुड्ढे की लाठी है। तुमने अपने सारे यूनिट्स मुझ पर खर्च कर दिए हैं भैरवा, आर यू श्योर? देयर इज नो गोइंग बैक। बूजी को ठीक करने में इतना टाइम जाया हो रहा है। और ये ले ऑन। बुजी रेडी एक बार फिर से। अभी ये कौन है? आप मेरे पीछे कहाँ आ रहे हैं? आप जहाँ जाएंगी मैं वहीं जाऊंगा माँ। सब मुझे मामा क्यों बुला रहे हैं? कहते हैं कि भगवान के अंदर पूरी सृष्टि होती है, आपके अंदर तो भगवान है। ओ भाई साहब, माँ की सेवा आपको किस नाम से पुकार सकते? आपकी मर्जी, पर पहले मुझे यहाँ से निकलना है। बाहर खतरा है माँ। किसके लिए? सबसे बड़ा खतरा तो मैं ही हूँ, मेरे आसपास जो भी है सब मर रहे। मैं नहीं मरूंगा। मेरे हाथ में। सबसे अच्छा किरदार है भाई यशोदामा का, सीरियसली। अगर चलाती तो शायद कायरा जिंदा होती। आपको जीवन देना है, लेना नहीं माँ। आप सुन भी रहे हैं आप क्या कह रहे हैं? जिसने अपनी पहली सांस तक नहीं ली वो इतनी आखिरी सांसों का कारण कैसे हो सकता है? हर मृत्यु का एक उद्देश्य होता है, इसका जन्म दुनिया की नई सांसों का कारण बनेगा। अच्छा इस फिल्म में जन्म दिखा देंगे या ये पार्ट टू के लिए बचा के रखेंगे? दैट्स द मेन क्वेश्चन। आपने अपनी घर में एक भगवान को स्थान दिया है, एक भूदेवी ही ऐसी शक्ति रखती है। आपको पता भी है कि आपके अंदर जो प्राण है वो साधारण नहीं है, उसका जन्म आपका धर्म और आपकी रक्षा मेरा कर्म। इसे सही है। कैसे याद नहीं होगा? शंबाला की तरफ जा रहे हैं अभी ये। वहाँ कुछ नहीं है भैरवा, मेरा सेंसर बस पत्थर दिखा रहा है। यकीन मानो भैरवा, चलो यहाँ रुकने में खतरा है।
बॉस अगर क्रैश हो गए तो पार्ट्स भी नहीं मिलेंगे, वापस चलते हैं। यार बूजी के पास सेंस ऑफ ह्यूमर कैसे मिला इतना? चल बैठ अंदर चुप होकर। ओके वेलकम टू शंबाला। अबे वो कोई हिले भी नहीं पुराने। अच्छा आगे आगे ठीक है। लुक तुम और ये कौन है? रिलैक्स गाइस, ये भैरवा है। ही इज अ ग्रेट फाइटर। अब ये हमारे साथ है। वीरन जानता है? नहीं पर वीरन के पास ही ले जा रहा हूँ। ठीक है तो चलो। और मैं फॉर्मेलिटीज फिनिश करके अभी आता हूँ। मेरे कार का ध्यान रखना है, अब भी रिपेयर करके आया हूँ। और सब कैसा है? बारिश हुई। क्या यहाँ बारिश हुई? मरियम कहती थी ना वो माँ आ गई। कहाँ है? पेड़ के पास। बारिश हुई, माँ आ गई और अब तुम भी आ गए। देख रहे हो भैरवा? सॉरी किड। ओबे क्या स्टोरी बनाएंगे रे आगे? अभी तक भैरवा के पास तो कोई पावर तो नहीं है। यहाँ रुकने में खतरा है। ओ अबे डब है ये कैसे? अबे दूसरा वाला कौन आ गया? ये कहीं भैरवा ही तो नहीं है वो होलोग्राम करके ना? न्यू टेक्नोलॉजी लेके आया वो आई थिंक। वही है होलोग्राम ही है उसका। ओ निकला। हार नहीं मानता यार। ये एंड में आई थिंक इनसे हाथ ही मिला लेगा कि भाई मेरे बस की बात नहीं है अभी। अभी सारा समझ में नहीं आ रहा विलन कौन है। और ओ नो दिस इज इनसेन। अपग्रेडेड बुजी ट्रांसफॉर्मर्स ऑटोबोट बन गई भाई ये। इस बार मैं प्रिपेयर होके आया हूं बुठे। गोरिल्ला की तरह भाग रहे हैं। ओए भाई क्यों मारना है यार, क्यों मारना है इनको? अभी भैरवा का रोल लग रहा है कि विलन वाला है। ओ बाहर से भी अटैक हो गया। भैरवा सभी को ले आया जहां भैरवा का पीछा किया उन्होंने और वो सब आ गए। ओ शिट मैन। ओके गाइस सो ये थी आज की वीडियो। अभी दो वीडियोस और आएंगी जिसमें हम प्री क्लाइमैक्स सीन और क्लाइमैक्स सीन देखेंगे। बहुत मजा आएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर अदर रिएक्शंस। एंड सीरियसली अगर आप मेरे साथ ये पूरी फिल्म देख रहे हो ना
तो भाई एक लाइक और सब्सक्राइब तो जरूर बनता है, और दूसरों के साथ भी चैनल को शेयर कर देना, और नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही आएगी, आप लोगों को ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। टिल देन मेक श्योर यू हिट दैट सब्सक्राइब।